दोस्तों, आज IPL 2021 का 38वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। चेन्नई सुपर किंग्स ने यह रोमांचक मुकाबला 2 विकेट से अपने नाम किया। केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई को 171 रन का लक्ष्य दिया था। चेन्नई ने पारी की आखिरी गेंद पर यह मुकाबला अपने नाम किया। केकेआर के कप्तान अयन मॉर्गन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। केकेआर की ओर से राहुल त्रिपाठी ने 45, नीतीश राणा ने 37 रन और दिनेश कार्तिक ने 26 रन बनाए। वहीं इसके जवाब में चेन्नई ने फैफ डुप्लेसी 43, ऋतुराज गायकवाड़ 40, मोइन अली 32 और आखिरी समय में रविंद्र जडेजा की तूफानी पारी के दम पर मैच अपने नाम किया। वहीं दोस्तों, चेन्नई की फैफ डुप्लेसी 43, ऋतुराज गायकवाड़ 40, मोइन अली 32 और आखिरी समय में रविंद्र जडेजा की तूफानी पारी के दम पर 172 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। वहीं दोस्तों, बात करें तो केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 171 रन बनाए और चेन्नई को 172 रन का लक्ष्य दिया। केकेआर की ओर से राहुल त्रिपाठी ने 45, नीतीश राणा ने 37 और दिनेश कार्तिक ने 26 रन बनाए। वहीं चेन्नई की ओर से शार्दुल ठाकुर और जोश हेजलवुड ने 2-2 विकेट लिए। वहीं रविंद्र जडेजा के नाम 1 विकेट रहा। दोस्तों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।